एक्सपेरिमेंटल फिल्मों का क्रेज आज भी नहीं के बराबर है। इसकी एक बड़ी वजह इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार का नहीं होना है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ कलाकार अपनी क्रिएटिविटी को शांत करने के लिए लीक से हटकर ऐसी फिल्में बनाते हैं जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसी ही एक फिल्म थी यादें। 1964 में आई इस फिल्म का निर्देशन सुनील दत्त साहब ने किया था। इस फिल्म में शुरू से अंत तक एक घर में केवल और केवल सुनील दत्त ही नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ आवाजें हैं जिसमें टेलीफोन की घंटी और यादों के रूप में कही गई बातें सुनाई देती हैं। वो दिन भूल गए जब कहा करते थे, मैं आपकी जिंदगी में आ गई थी, ये जन्नत बन जाएगी। यादें एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसकी एक पत्नी है और दो बच्चे हैं। लेकिन आपसी कलह के बाद उसकी पत्नी बच्चों को लेकर घर से चली जाती है। अनिल गुस्से में घर की तमाम चीजें उलट पलट देता है। वो जताने की कोशिश करता है कि वो अपनी बीवी बच्चों के बगैर रह सकता है, लेकिन वो उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पाता है। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपने जीवन के सूनेपन का डर सताने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे और उनकी कही बातें याद आने लगती हैं। कभी वो अपनी पत्नी के हेयर पिन को छूता है, तो कभी वो दीवारों पर बच्चों द्वारा बनाई आड़ी टेढ़ी चित्रकारी को देखता है। ये वही चित्र हैं जिसे देखकर पहले अनिल गुस्सा हुआ करता था। निराश हताश अनिल मौत को गले लगाने के लिए फंदे पर झूल जाता है। कि तभी दरवाजा खुलता है और उसकी जान बच जाती है। जिस खूबसूरती से इस फिल्म में परिवार के महत्व को दर्शाया गया है, कहीं और देखने को नहीं मिलता है। यादें क्रिएटिविटी और अनूठेपन की वानगी दर्शाती ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की एक खूबसूरत कृति है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो जगह मिली, लेकिन लोगों ने इसका सही मूल्यांकन नहीं किया।